नमस्कार दोस्तों, देश विदेश की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान से मंदसौर होते हुए टिड्डियों का दल मंगलवार शाम उज्जैन जिले में आ पहुंचा। रात में टिड्डी दल ने पान बिहार के रन्हाहेड़ा गांव में डेरा जमा लिया। टिड्डियों की संख्या इतनी अधिक थी कि करीब 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ढक गया। इनसे फसलों को बचाने के लिए किसानों ने तेज आवाजें निकाली, मशान जलाकर झुंड के पीछे भी दौड़े। बुधवार सुबह 4 बजे कीटनाशक स्प्रे कर टिड्डी दल को मारने की रूपरेखा बनाई गई। केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल ने 9 स्प्रे गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, 11 ट्रैक्टर स्प्रे पंप से चारों ओर स्प्रे करवाया। इससे सुबह 8 बजे तक हजारों टिड्डियां खत्म हो गई। कृषि विभाग का कहना है कि मरुस्थल में 9 टिड्डी दल और सक्रिय हो रहे हैं। इन्हें खदेड़ने के लिए किसानों ने आग जलाई और आवाजें की। मंदसौर में राजस्थान तरफ से टिड्डियों ने एक बार फिर दावा बोला। टिड्डी दल मल्हारगढ़ तहसील में घुसा और देखते देखते बैसाखेड़ा, नेनोरा, खोखरा, अमरापुरा पहुंच गया। यहां किसानों ने ढोल डीजे बजाकर दल को भगाया। क्षेत्र में नुकसान के संबंध में राजस्व एवं कृषि विभाग के कर्मचारी जांच पड़ताल की जा रही है। किसान नेता राम बरोस पटेल ने बताया कि क्षेत्र में मूंग की 5-10% फसलों को नुकसान हुआ है। सतवास में भी टिड्डियां मूंग की फसल को चट करने लगी। किसानों ने एकत्र होकर जोर जोर से आवाज कर इन्हें भगाने का प्रयास किया है। इससे इनमें बिखराव तो हो गया लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।